कांग्रेस पार्टी भी 54% से 57% से यहाँ 15% आ गई 2014 में हुई, तो 57 तो बीजेपी हाँ, है। लेकिन हमने तब ये बात की थी सर, क्या हमने ये बात की थी कि क्या 2009 वाले हालात, यूपीए 2 वाले हालात आप मोदी 2 से कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखिए मैं फिर इस पे आ जाते हैं। 2014 में पूरी तरह से लहर थी कि भाई हटाना है कांग्रेस को, ध्वस्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार है और मोदी जी एक विकल्प के तौर पर सामने था। 2000 आप उसके बाद 19 का चुनाव देखें, पूरी तरह से नेशनलिस्ट लहर थी। All right. आज कौन सी लहर, क्या पता नहीं, मैं यही बोलो आज कौन सी बड़ी लहर, सौरभ जी ये इसलिए आप कह रहे बीजेपी का वोट नीचे जाएगा, मैं ये मानता हूं कि यहां पे कांटे की टक्कर है और बीजेपी का वोट कन्हैया और मनोज तिवारी कन्हैया कुमार के केस में मेरे को लगता है कन्हैया कुमार ये चुनाव हारेंगे, ऐसा हारेंगे सर। देखिए बहुत सारी सीटें सिर्फ डेढ़ लाख 2004 की तुलना 24 से कैसे हो सकती है? 57% तब पाते थे, तब कौन लड़ता था, तब भाजपा कांग्रेस लड़ती थी। आज केजरीवाल जैसा इतना भीम काय विशाल काय व्यक्ति है जो 62 और 67 सीटें जीतता है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर 56.9 यानी 57% नई दिल्ली की सीट, इसका मतलब इनका कोई आधार नहीं बचा। अरे मैं सुनवा भी देता हूँ ना आपको, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का हमारे पास जरा रिएक्शन है, दोनों क्या कह रहे हैं एक बार जरा छोटा छोटा रिएक्शन सुना दिए जल्दी से। कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मनसा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हो, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने जो टूरिज्म का समय था पूरा हो जाएगा। क्लेम करते हैं कि 700 पार हो, कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं, बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। सर कांग्रेस की 700 सीटें आ रही हैं दिल्ली, कांग्रेस की नहीं इंडिया एयरलाइंस की आएगी, 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी। कन्हैया कुमार देखिए, कन्हैया बोलने के उस्ताद है, उनको आगे भाई वो तो कह रहे हैं जीत चुके चुनाव, बोले घर बैठ जाए, यहाँ क्यों धूप में घूम रहे हैं फिर बीजेपी वाले। देखिए वो चाहे जो कुछ भी कहें, कन्हैया एक चीज जान लेना चाहिए कि ये बात सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है और जो कांग्रेस का जो इंटेलेक्चुअल सेल है पूरा जी, वो आप सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के जितने गिरोह था वो सारा आज के दिन में है। आप किसी नज़दीकी से पूछिए कांग्रेस पार्टी के जो पहले इंटेलेक्चुअल सेल के हिस्से होते हैं, आकर के वो बताते हैं, वो कहते हैं कि संगीत जी वो पूरा का पूरा गिरोह जो है सारा जेएनयू वाले चले गए अंदर। नतीजा ये है कि आप जो राहुल गांधी में ये सब सारा जो नया वोकैबुलरी देख रहे हैं सोशल जस्टिस का, ये सारा का सारा है, ये सारे वामपंथी गिरोह का वो वोकैबुलरी है। ठीक है, अब रही बात कि क्या वो जीत सकते हैं। आपको याद होना चाहिए 2016 में जो जेएनयू कांड हुआ था उसके बाद से टुकड़े टुकड़े गैंग के करीब ये और होते गए, लेकिन कन्हैया कुमार बुरी तरीके से जिसे कह सकते हैं, मैं आपको फिर बताता हूं जो मैनेजमेंट है, एक आया है मेरे पास मैसेज एक व्यक्ति का जो पूरा ये रिसर्च ही कर रहा है उत्तर प्रदेश में, द बूथ मैनेजमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज टेरिफिक। अच्छा टेरिफिक, ऑल ओवर इन दिल्ली के लिए अभी वो बताया। अच्छा ठीक, बोला टेरिफिक है। ओके ठीक, नई दिल्ली की सीट व्यूअर्स, नई दिल्ली इस बार सोमनाथ भारती वर्सेस बांसुरी स्वराज, बांसुरी स्वराज जी को टिकट इस बार दिया है। देखिए सुषमा जी की बेटी हैं, मीनाक्षी लेखी का टिकट यहां से कटा है, वो तो मंत्री भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब नॉन फैमिलीज के लोगों को टिकट ऐसे नहीं दिए गए इस बार, जैसे उन्हीं का टिकट काट दिया गया, पूनम महाजन का टिकट, उनका टिकट जो है वो इस बार कट गया है, लेकिन इनको टिकट मिला है। इस सीट पर बीजेपी का मार्जिन पिछली बार था मीनाक्षी लेखी अजय माकन से जीती थी 256,000 वोट से। अब बांसुरी स्वराज जो है पहली बार किस्मत आजमा रही है अपनी चुनावों के अंदर, बोलने की माहिर है, अच्छा मतलब बात करती है तो लगता है कुछ वजन तो है। देखिए मुझे लगता है कि नई दिल्ली सीट पर कई बार ये चर्चा भी हो चुकी है, पहले भी ये बात होती रही, नई दिल्ली सीट एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शानदार सीट है। ओके मीनाक्षी लेखी को जब टिकट नहीं मिला तो ये कहा गया कि आखिर क्या कोई वजह थी, किस वजह से उनको हटाया गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने, अब चूंकि सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज तो इसलिए उनको उस तरह से देखा जाता है, लेकिन जितने टिकट दिए गए
एक मनोज तिवारी और एक रामवीर विधूड़ी, इन दोनों को हटाइए तो अभी ये तुरंत के पदाधिकारी थे,